Hello everyone. I hope all of you are in a very good health, and health is very important. And today we are going to talk about vaccines. So welcome to all of you in SciMath Connect. SciMath Connect, you know, it is an initiative taken by S Chand and me, Neil Manish Srivastav. I am, uh, who, I'm, Isaac name se pichle 18 I am working in this ITJ and need training. तो मैं इसमें काम कर रहा हूं तो ये हमारा जो लर्निंग एक्सपीरियंस है इसको बढ़िया बनाने के लिए हम ये चाहते हैं कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पढ़ाई कैसे की जाती है हाउ टू अंडरस्टैंड द बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ थिंग उनके ऊपर हम बात करने के लिए चीजों को इंटरेस्टिंग वे में स्टोरी टेलिंग फॉर्म में आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप में लर्नेबिलिटी डेवलप हो जाए बिकॉज एट द एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है लर्नेबिलिटी इफ अ स्टूडेंट हैजर्नेबिलिटी यानी सीखने समझने की ताकत है उसमें ही और शी कैन डू वंडर्स भी कर सकते हैं जो भी करना चाहिए, कर सकते हैं। जो एक ही बात है, चाहिए। तो हम आपको बता रहे हैं, में आज हम बात करने वाले हैं आज हम बात करने वाले हैं वैक्सीन कैसे बनी कैसे क्या क्या हुआ हिस्टोरिकली क्या क्या चीजें हो रखी थी क्या हुआ किसने क्या किया इनके बारे में हम बात करने वाले हैं तो इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ये पूरा का प्रोग्राम है इस प्रोग्राम का पूरी कहानी ये है कि इसमें हम आपको चीजों को स्टोरी टेलिंग फॉर्म में समझाएंगे अच्छे से समझाएंगे ताकि आप में लर्नेबिलिटी डेवलप हो और एट द एंड हम नवंबर और फेबर में हम क्विजेस लेंगे उन क्विजेस के बेसिस पे आपको जो अच्छा परफॉर्म करेंगे जिन्होंने अच्छा एनालिसिस से अच्छे ढंग से पढ़कर परफॉर्म किया उनको डेफिनेटली रिवॉर्ड करना हमारा बनता है तो हम उसमें कैश देंगे उसमें हम गिफ्ट uh, वाउचर्स uh, देंगे उसमें हम आइजा की स्कॉलरशिप देंगे स्टडी मटेरियल देंगे एंड वी ट्राई टू रिपोर्ट आर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स ऑल द स्टूडेंट्स हु वर डूइंग एक्सेप्शनली वेल इन देयर एग्जामिनेशन और उनको हम रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करेंगे उनको पहचानने की कोशिश करेंगे और उनको uh, सम्मानित करने की कोशिश करेंगे प्रेस करने की कोशिश करेंगे हेल्प ऑफ दीज द टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड जो हम बात करने वाले हैं सो बैक टू द गेम आज हम किसकी बात करने वाले हैं आज हम बात करने वाले हैं कि वैक्सीन कैसे बनी कैसे कैसे बनी बनी क्या हुआ वैक्सीन कैसे बनी? तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है पर हिस्टोरिकली हम अगर बात की जाए कि वैक्सीन को सबसे पहले किसने बनाया था तो उसमें हमारे सामने जो नाम आता है जिनका हिस्टोरिकली जिनका रिकॉर्डेड नाम इनका आता है उनका नाम है एडवर्ड जेनर एडवर्ड जेनर आपने शायद नाम सुना होगा एक एडवर्ड जेनर ने आ, सबसे पहले आ, जो मिल्क उनकी हेल्प से उनकी हेल्प से एक, एक बताऊंगा पूरी स्टोरी स्मॉल पॉक्स एक डिसीज हुआ करती थी स्मॉल पॉक्स जो कि बहुत ही डेडली डिसीज हुआ करती थी उसका पहला वैक्सीन इन्होंने तैयार किया स्मॉल पॉक्स का और इसीलिए इनको फादर ऑफ वायरोलॉजी या फादर ऑफ फादर ऑफ दिस इम्यूनिटी कहा जाता है जो इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए इन्होंने काम किया तो ये इनका इनका सबसे पहले हिस्टोरिकली रिकॉर्ड में नाम है तो इनकी कहानी को पहले समझते हैं कि क्या हुआ क्या क्या, क्या कहानी है वैसे स्मॉल पॉक्स द ये ये वोज ये सेंचुरी में इन्होंने ये काम किया था इस, इस, इस वैक्सीन की खोज की थी स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन की खोज की थी पर एटीन सेंचुरी से पहले भी ये स्मॉल पॉक्स था अगर इसके ट्रेसेस देखे जाए अगर हम लिटरेचर्स देखें को देखें समझने की कोशिश करें पुराने लिटरेचर्स देखें तो हमें यह पता चलता है कि ये 10,000 थाउजेंड बीसी से ही चली आ रही है 10,000 थाउजेंड बीसी से ही मतलब ये नहीं कि जब से है बना तब से ह्यूम हु, 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 ने ढंग से डेवलप करना स्टार्ट किया जब से कुछ रिकॉर्ड हो रहा है तब से ये इस तरह की डिसीजेस ये जो स्मॉल पॉक्स था ये हमेशा से था और फाइनली आपको यह पता होगा कि नाइनटीन में डब्ल्यू ने कह दिया कि स्मॉल पॉक्स इज टोटली रेडिकेटेड

जिसके बारे में इनके बारे में जो फेमस है ये तो अब इनके बारे में बात करते हैं कि स्टोरी क्या है स्टोरी ये है कि हुआ क्या था कि स्मॉल पॉक्स में आपको शायद थोड़ा बहुत पता होगा स्मॉल पॉक्स एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें आप जो आपके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन पे भी स्पाइनल uh, कॉर्ड पे भी और बॉडी पे भी बहुत ज्यादा रिएक्ट करती है सब जगह पे इफेक्ट डालती है और इसका जो इनिशियल रेट ऑफ डेथ हुआ करता था वो लगभग थर्टी फोर्टी परसेंट डेथ हुआ करते थे उस जमाने में और जो बच जाते थे उनके भी चेहरे पर uh, या बॉडी पर बहुत सारे स्कार्स रह जाते थे स्मॉल पॉक्स के स्मॉल पॉक्स रह जाता था उनके बॉडी पे वो निशान छोड़ के जाता था तो स्मॉल पॉक्स एक बहुत ही खतरनाक बीमारी हुआ करती थी जिसमें फीवर हो रहा है पस पस ब्लिंकर्स बन रहे हैं उसमें पस आ जा रही है तो ये बहुत सारी चीजें हुआ करती थी जो बच जाते उनके साथ भी जो मर जाते तो तो मरी गए पर ऐसा बहुत बीमारी खतरनाक थी तो एक 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 एक, एक, एक काउ ब्रीडर था मतलब ग्वाला मान लीजिए मतलब जो काउ को पालता था और उनके दूध वूध निकालता था उनके मिल्क प्रोडक्ट्स बना के बेचता था तो उस, उस उसका नाम था बेंजामिन उसका नाम था बेंजामिन बेंजामिन जो बंदा था उसने एक बार नोटिस किया कि उसके जो जो उसके उसके पास काउज़ हैं उनमें भी कुछ स्मॉल पॉक्स पॉक्स तो नहीं स्मॉल तो सबको पता था कि बीमारी है लोगों में होती है उनमें भी वैसे ही कुछ कुछ पस वाले ब्लिंकर्स बन रहे हैं ये बन रहे हैं ऐसी सिचुएशन उसने देखी और उसने देखा कि यार ये बिल्कुल वैसी ही बीमारी लग रही है जैसी कि, आ, स्मॉल पॉक्स में होती है काफी कुछ सिमिलैरिटी उसको दिखाई दी और उसको भी काउ पॉक्स का थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया जब उसको भी काउ पॉक्स का थोड़ा सा इंफेक्शन हो गया उसके बॉडी में भी थोड़ा थोड़ा हुआ पर वो बहुत ही इमीडिएटली सही भी हो गया तो उसने कहा यार काउ पॉक्स हो गया उसको बहुत सही हो गया फिर वो एक बार क्या हुआ उसको लगा कि काउ पॉक्स हो गया उसको सही हो गया आराम से वो छोटी बीमारी थी बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी नहीं थी स्मॉल पॉक्स जैसी पर काउ पॉक्स की बीमारी थी जो हुई काउ में भी होती है स्मॉल पॉक्स जैसी थी ये उसकी स्टोरी में कहानी में इंटरेस्टिंग पार्ट है अब उसको कभी वो स्मॉल पॉक्स के साथ जब उसका कभी एक्सपोजर हुआ स्मॉल पॉक्स उसने कहीं गया जहां पे लोगों को स्मॉल पॉक्स था वहां उसका एक्सपोजर हुआ तो उसको लगा कि इसको स्मॉल पॉक्स हो सकता है पर उसको स्मॉल पॉक्स हुआ नहीं और उसने ये सोचा उसने सोचा कि शायद आ, वैसे सोचा नहीं इसकी भी स्टोरी सुनाऊंगा मैं आपको पुरानी कहानी पूरी बताऊंगा आपको पर ए, सोचा नहीं उसको भी पता थी इंफॉर्मेशन थी मैं बताऊंगा पर अब उसने सोचा स्टोरी को मान लेते हैं कि लगता है जिनको काउ पॉक्स हो जाता है उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता और वो इस बात पर बिल्कुल विश्वास कर लिया कि यह बिल्कुल बढ़िया तरीका है काउ पॉक्स अगर किसी को हो गया तो स्मॉल पॉक्स दोबारा नहीं होता है तो उसने अपना काउ पॉक्स का जो पस था वो थोड़ा 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 अपने के थ्रू पस जो काउ से निकला था काउपॉक्स का जो पस था उसको थोड़ा सा वीक करके वो अपने बच्चों के फैमिली के सबके जितने भी लोग थे ये ये बंदे को जो पता चला कि ऐसा हो रहा है तो उसने अपने सारे फैमिली मेंबर्स के सारे फैमिली मेंबर्स के काउपॉक्स जो है वो इंजेक्ट कर दिया और फाइनली जब पूरे उनके उनके गांव में भी ये कहानी हुई इनके गांव में भी स्मॉल पॉक्स आया तो इस फैमिली को स्मॉल पॉक्स हुआ नहीं फैमिली को स्मॉल पॉक्स हुआ नहीं तो इसकी कहानी बहुत जल्दी से प्रचलित हो गई जब इसकी कहानी बहुत जल्दी से प्रचलित हो गई तो उसने ये बात पता चली हमारे भाई साहब हमारे भाई साहब एडवर्ड साहब को

गार्डनर के गार्डनर के जो नौ साल का बेटा था उसको ये इंजेक्ट कर दिया तीन लाइ स्ट्रेच मारे उस निडल एक निडल में काउप काउपॉक्स वाला जो पस था उसको इकट्ठा किया और अपने एक गार्डनर के जो नौ साल के बच्चा था उसके में तीन निडल्स ऐसे स्क्रैच मार दिए तीन निडल्स के स्क्रैच मार दिए और फाइनली दो तीन हफ्ते बाद उसको स्मॉल पॉक्स के सामने स्मॉल पॉक्स के पस के साथ एक्सपोज कराया नहीं उसके साथ उसका इंट्रेक्शन कराया मतलब पास ले गया टच कराया ये कराया तो उन्होंने देखा कि उसमें स्मॉल पॉक्स डेवलप नहीं हुआ नहीं हुआ तो इनको ये लगा कि इन्होंने एक सक्सेसफुल ट्रायल कर लिया है ये बिल्कुल पक्के से भरोसा हो गया उसकी बात बिल्कुल बेंजामिन जो गार्डनर था जो सॉरी जो ब्रीडर था उसकी बात बिल्कुल सही है और उसके बाद इन्होंने सबको सबको लगवाना स्टार्ट कर दिया अब जब इन्होंने सबको लगवाना स्टार्ट कर दिया तो इनको लोगों ने अपोज भी किया ऐसा नहीं कि इनका अपोजिशन हुआ नहीं पर ऑब्वियसली दोनों चीजें कुछ सपोर्टर हैं कुछ अपोजिशन है तो सपोर्टर्स तो थे थे अपोजिशन वालों ने काफी अपोज करा सपोर्टर्स इनके फ्रेंड्स थे फैमिली थी वो सब लोगों ने इनको सपोर्ट करना स्टार्ट किया और इनके बारे में स्टोरीज लिखने लगी तो ये स्टोरीज वन ऑफ द uh, स्टोरी जो मैंने आपको सुनाई है हो सकता है कि उस कहानी को स्ट्रांग बनाने के लिए अपने, अपने अपनी अपनी बताने के लिए उसमें से मेन मैंने आपको बताया हो सकता है ये है ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि इनके सपोर्टर ने यह स्टोरी लिखवाई है असली में है कि नहीं है मुझे पता नहीं है वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जनरली इतनी जल्दी ऑब्जर्वेशन एक बेंजामिन को ऑब्जर्व क्योंकि की जो तो चीजें होती हैं साइंस में एक आदमी ने ऑब्जर्व किया और उसने तुरंत बता दिया ऐसा नहीं होता ऑब्जर्वेशन सालों साल में होते रहते हैं लोग धीरे धीरे करके इट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस ऑब्जर्वेशन एक बार में नहीं हो सकता कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कोई नया थॉट नहीं आता पुराने थॉट से चेंज होते रहते हैं ऐसे ही आता है तो अगर मैं आपको ये कहानी बताऊं कि एग्जैक्टली exactly वॉट था उस पूरी कहानी का बेसिक कहानी सुनाओ तो ये जो कहानी है ये मैं आपको ऐसा बताता हूं कि लगभग 200 जो हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स हैं उनके हिसाब से 200 हंड्रेड के आसपास इसका सही करने का स्मॉल पॉक्स के लिए को सही करने के मेथड्स की पूरी बुक्स थी इन मेथड्स को इन मेथड्स को जो हम बात कर रहे हैं इन मेथड्स को जिसकी मैं बात करने वाला हूं जो इन्होंने खोजा इस मेथड को वेरियलेशन कहते थे इस मेथड को वेरेशन कहते थे तो वेरिशन कहते थे इस वेरेशन मेथड के बारे में बात करता हूं हुआ क्या अफ्रीका में ये डिसीज सबसे पहले ऑब्जर्व की गई और वहां काफी फैल गई अफ्रीका में डिसीज बीसीज़ पहले अफ्रीका में फिर मर्चेंट जब पूरे घूम रहे थे तो चाइना इंडिया और ऐसी जगहों पे आ रहे थे तो चाइना इंडिया यूरोप एशिया अमेरिका सब जगह धीरे धीरे करके ये फैल रहे थे तो ये अपने साथ ये डिसीज को भी लेके आ गए तो ये अपने साथ डिसीज को भी लेके आ गए तो सबसे पहला जो इसका बेस्ट मेथड ऑफ वेरियलेशन जिसके ऊपर है, है, खुशी भी मिलनी चाहिए वो एक बौद्ध मॉन्क ने वो बुक के बारे में वेरियलेशन मेथड का टेक्निक बताया था उनको अक उनको ये तो समझ नहीं थी, थी कि सेल लेवल पे कि असली में इम्यूनिटी कम कैसे करती है एंटीबॉडीज क्या होती है पर यह नहीं पर उनके भी सालों साल के ऑब्जर्वेशन थे कि अगर हमारा जो बंदा स्मॉल पॉक्स होने के बाद सर्वाइव कर जाता है उसको जीवन में दोबारा स्मॉल पॉक्स नहीं होता ये तो सालों साल से लोग देखते हुए आ रहे थे जितने भी बच जाते थे उनको दोबारा स्मॉल पॉक्स नहीं होता

तो वहां पर एक मेथड डेवलप किया गया उन्होंने क्या किया उन्होंने जो वैरेशन मेथड था इसका मिलता है हमें, वो जनरेशन बाई जनरेशन अपने अपने ही जनरेशन को तरीके बताया करते थे जनरल पब्लिक नहीं करते थे कि ये ऐसा मेथड है इससे बच जाओगे इससे बच जाओगे ये छुपाने की तरीका हुआ करता था पब्लिक नहीं करते थे इसलिए उतना वाइडली स्प्रेड नहीं था पर लोगों को आने लगा था कि ऐसा होता है क्या था वे रिलेशन मेथड में उन्होंने क्या किया जिसका स्मॉल पॉक्स हुआ था उसके जो पस था उसको पहले इकट्ठा करते थे और उस पस को इकट्ठा करके काफी एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते तक ठंडी या गर्म जगहों पर अलग अलग तरीके के मेथड्स है ठंडी जगहों पे गर्म जगहों पे स्टीम पास करा के कुछ सब्सटेंस मिलाकर उसको इकट्ठा करते थे और उसको एक हफ्ते दो हफ्ते छोड़ देते थे उनका ये मानना था कि इन कंडीशन में ये वायरस जो है धीरे धीरे करके कमजोर पड़ जाएंगे तो ये कमजोर पड़ जाते होंगे वो पस के अंदर जो वायरस है जो जो इन्फेक्शन क्रिएट करता था वो कमजोर पड़ जाता था अब वो वायरस जब वो कमजोर पड़ गया वो वायरस कमजोर पड़ गया अब वो क्या करते थे एक लंबे से पाइप के थ्रू लंबा से पाइप लेते थे ऐसा मान लीजिए इस तरह का एक पाइप लेते थे और इस पाइप से उसके कुछ ड्रॉप्स लेते थे एयर के साथ मिक्स हो जाता था और उसके उस, उसको आ, उसकी नोज में अंदर डीप जाके उसकी नोज में ऐसे ऐसे करके दबा के ड्रॉपर की तरह उसकी नोज में इनको डाल देते थे जैसे ही वेरिलेट हो जाता था जैसे ही ये वेरिलेट हो जाता था तो ये वेरिलेट होने के बाद वो देखते थे कि इसको अब दोबारा स्मॉल पॉक्स नहीं होगा ये मेथड बीसी में इस्तेमाल किया जाता था इवन जब अंग्रेज इंडिया में थे तो उनमें से एक नाम नहीं क्लियर है क्योंकि बहुत सारी हिस्ट्री में इस तरह के नाम खो जाते हैं और निडिल्स किसी चीज से एक्सपोज की होती है उस पस से एक्सपोज की होती है और उस निडिल्स को मार लेते हैं जिससे उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है ये वेरियलेशन की मेथड लगा अब ये वेरिलेशन का मेथड धीरे धीरे जब पहुंच रहा था लोगों में पहुंच रहा था लोगों को पता चल रहा था एक और हिस्टोरिकल एविडेंस है एक और हिस्टोरिकल एविडेंस है एक एक इंपीरियल था एक एक एरिस्टोक्रेट था उसकी वाइफ थी उनको तुर्की घूमने गई इंग्लैंड में एरिस्टोक्रेट था उसकी वाइफ जो थी वो टर्की घूमने गई टर्की में उनको पता चला कि दिस काइंड ऑफ वेरिलेशन मैथड इज बींग यूज्ड जो कि स्मॉल पॉक्स से बचाने के काम आता है तो स्मॉल पॉक्स से बचाने के काम आता है वेरिलियन मेथड के उन्होंने देखा तो उन्होंने जब ये देखा कि वेरिलियन मेथड स्मॉल पॉक्स 1717 के आसपास की घटना है ये तो वेरिलियन मेथड जो है मतलब जेनर से पहले की बात बता रहा हूं तो उन्होंने जेनर से पहले की बात बता रहा हूं तो जेनर से पहले इन्होंने ये देखा तो ये ऐसा हो रहा है तो उन्होंने क्या किया उन्होंने स्मॉल पॉक्स का वही सब इकट्ठा किया वही मेथड से वेरिएशन वाले मेथड से ठंडे वंडे में रखा और जो प्रिजनर्स थे जितने भी प्रिजनर्स थे उन सारे प्रिजनर्स को जबरदस्ती मास में उन्होंने चेक करने के लिए क्वालिटी चेक करने के लिए कि इनका ये काम कर रहा है फंडा कि नहीं कर रहा है मास में सौ पचास प्रिजनर्स के ऊपर उन्होंने ये वेरिएशन का मैथड अप्लाई किया वैरियलेशन का मेथड अप्लाई किया और फिर उनके बाद जब उन प्रिजनर्स को एक्सपोज किया गया स्किन स्मॉल पॉक्स के लिए तो वो वैरियलेशन के मेथड के बाद स्मॉल पॉक्स उनमें नहीं डेवलप हो पाया यानी कि उनमें ये वैरियलेशन का मेथड काम करता था और धीरे-धीरे करके ये वैरियलेशन का मेथड हर जगह चलने लगा पर तब तक जो किया जाता था वो स्मॉल पॉक्स के वायरस को कमजोर करके वापस डालने वाला मेथड था ये था उसी स्मॉल से ही किया जाता था जो आज की डेट में भी किया जाता है आज की डेट में भी कई सारे जो हमारे पास वैक्सीन है वो एक्चुअली वीक सेल्स ही हैं। वी, वी, वीक वायरसेस ही हैं जिनको हम वापस से इंजेक्ट करते हैं बच्चों में ताकि उन बच्चों को ना हो किसी तरह का इस तरह का वायरल बीमारी ना डेवलप हो पाए तो आज भी हम करते हैं आज भी करते हैं कई सारे तो लेकिन जो जेनर ने किया था वो उसने काउपॉक्स के पस से उसको डेवलप कराया था स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट तो आज की डेट में जो वैक्सीन हम जिस पे हम बात करते हैं वो स्मॉल पॉक्स से ना लेकर मिल्क मेड प्रोडक्ट से ही काउपॉक्स से ही के वैक्सीन काउपॉक्स के पस से ही बनी हुई वैक्सीन का इस्तेमाल किया जाता था तो इसीलिए जेनर थेटिकली ऑन पेपर तो यही है जिन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन का या वैक्सीन की दुनिया में पहला काम जिन्होंने किया है वो यही है जो ऑन रिकॉर्ड की बात की जाए बट इन इंडिया और चाइना जैसी कंट्री में जहां पर लोगों का दिमाग पहले से ही मेडिकल फील्ड में अच्छा चलता था ऑब्जर्वेशन अच्छा था उन्होंने पहले से ही डेवलप किया हुआ था सो दिस इज द बेसिक हिस्ट्री This is the basic history behind how vaccines are जनरल प्रैक्टिस नाउ अब लोगों को लगता है कि यही तरीका है वैक्सीन स्टैंडर्ड वे ऑफ मेकिंग वैक्सीन चाहे अभी आपको जो आपने कोविड आया था तो कोविड के समय हमने तरह तरह के वैक्सीन बनाए थे वैसे वैक्सीन बनने में आपको पता है लगभग पंद्रह बीस साल का समय लगता है बिकॉज इट स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स टाइम के टाइम लैब्स के हिसाब से ऐसे ह्यूमन uh, ट्रायल्स से पहले बहुत सारे ट्रायल्स करने पड़ते हैं पर हमने सबसे तेज जो वैक्सीन बनाया जिसकी आज के डेट में में कई जगह कमियां भी निकलती हैं कुछ लोग कहते हैं कि शायद वो गलत था सही था इट्स अ डिबेटेबल थिंग बट हमने बहुत जल्दी आ, जो कोरोना वायरस से लड़ने के लिए को वैक्सीन जैसी वैक्सीन को हमने इंडिया में ही डेवलप कर लिया था और उसका भी बेसिक फंडामेंटली तो वही आइडिया है कि इस वीक वायरसेस को वा, इंजेक्ट कर दो और उस पर कैसे सेल्स काम करेंगी अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप ऑफ स्टडी में पढ़ाई में हम इस बात पे बात करने वाले हैं कि ये एंटीबॉडीज कैसे उनसे लड़कर कैसे क्या करती हैं और कैसे अपने आप को इम्यून बनाती हैं सेल लेवल पे क्या होता है इसकी चर्चा करने वाले हैं तो ये हिस्ट्री बात था अब हम इसके नेक्स्ट स्टेप में जाने वाले हैं आई होप अभी तक आपको ये बढ़िया से समझ में आ गया तो मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप नाउ तो बच्चों अभी हमने देखा कि भाई वैक्सीन बनाने के लिए लोगों को ये तो समझ में आ गया कि कमजोर वायरस को अगर डाल दिया जाए तो अंदर कुछ ऐसा होता है कि उसके बाद वो वायरस जब बहुत तादाद में आता है तो इफेक्ट नहीं डाल सकता ये इफेक्ट नहीं डाल सकता और उसको चेक करने के लिए आपने देखा कि उस क्वीन ने प्रिजनर्स के ऊपर डाल दिया उस बेंजामिन फार्मर ने अपने बच्चों पे ट्राई कर लिया जैनर ने अपने गार्डनर के नौ साल के बेटे के ऊपर ट्राई कर लिया तो ये रैंडमाइजेशन ऑफ ट्रायल था तो उसको कई बार ऐसा लोगों ने बहुत बार और भी किया और उनकी जो तरीके थे वो गलत थे और जिसके ऊपर ट्रायल मारा वो मर गया तो फिर हमने क्या किया हमने कहा अब वैक्सीन बनाने वाले तरीके को हमें थोड़ा प्रोसीजरल बनाना पड़ेगा कि ये ये करना पड़ेगा और इसमें इतना समय लगना चाहिए तो पहले हम उस प्रोसेस को एकदम डिटेल से समझते हैं कि प्रोसेस आज की डेट में क्या है तो उसको कई पार्ट में ब्रेक किया गया है तो उसका सबसे पहला पार्ट होता है वैसे आपको पता है आज की डेट में एक सक्सेसफुल वायरस बनने का मैंने पहले ही बोला भी कि वायरस बनने में चौदह पंद्रह साल लग जाते हैं तो आज की डेट में स्टेप वन क्या होता है स्टेप वन होता है डिस्कवरी डिस्कवरी रिसर्च एंड डिस्कवरी जैसे वो रिसर्च एंड डिस्कवरी मान लें जो कि उस बेंजामिन फार्मर ने देखा कि जिनको पॉक्स का स्मॉल पॉक्स हो जाता है जो कि थोड़ी लेस सीवियर बीमारी थी उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता तो ये डिस्कवरी थी इस डिस्कवरी को सबसे पहले किया गया कि ये हमारा वे ऑफ थिंकिंग है कि पॉक्स जिनको हो जाता है ये मेरा थॉट प्रोसेस है ये मैंने सोचा है इसके ऊपर इस मैंने काफी काम किया काफी एक्सपेरिमेंट करके देखे ये मेरा थॉट प्रोसेस है कि रिसर्च की उसने कि काउ पॉक्स जिनको हो जाता है उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता है ये पहला स्टेप होता है इसमें कम ये कौन करता है यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी कई बार हमने रिसर्च करने के लिए हम यूनिवर्सिटी को कहते हैं कि आप ट्राई करिए देखिए क्या इफेक्ट हुआ होगा थोड़ा वायरस को, को मैं कैसा दिख रहा है क्या ऐसा पहले कभी देखा है कि नहीं देखा है इन सारी चीजों का पता लगाओ तो ये काम कई बार प्राइवेट कंपनीज करती जो ड्रग कंपनीज होती है या कई बार वो कोलाबरेट करती है यूनिवर्सिटीज के साथ और उनके साथ ये काम करती है उसके बाद जो आता है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट यानी कि अब लोगों के ऊपर लोगों के ऊपर उसको ट्राई करने से पहले प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है किसी इंसान की लाइफ को हम डेंजर में नहीं डाल सकते तो हम लेकिन थोड़ा इनह्यूमन बिहेवियर है हम मानते हैं कि वी हमारी लाइफ थोड़ी ज्यादा कॉस्टली है चूहे की लाइफ से अब इस ये भी डिबेटेबल है ये भी डिबेटेबल है पर कहीं ना कहीं हमें ये ना प्रायोरिटाइज करना पड़ता है तो साइंस में हमने कहा कि भैया ये प्रायोरिटी तो है कि माई लाइफ इज सुपीरियर देन माइस लाइफ चूहे की लाइफ से मेरी लाइफ सुपीरियर है ये हमने कहा कि ये मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं ट्रायल तो करना पड़ेगा तो इस प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट को करने के लिए कि कि इम्यून सिस्टम डेवलप होता होता है कि होता है हाउ दे तो हमने अपने जैसे दिखने वाले दिखने वाले मतलब जिनका ऑलमोस्ट सिमिलर बिहेवियर है मैकेनिज्म सिर सा काम करता है इंटरनल मैकेनिज्म जो कि मेमल्स भी हैं सिमिलर हैं उन पर ट्राई मारते तो छोटे एनिमल्स पे हम ट्राई मारते मोस्ट ऑफ द कहीं बार आप लोग कहते हैं लैबरेट हो लैबरेट हो लैबरेट क्यों कहा जाता है कि रैट जो हमसे काफी क्लोज होता है हमारा स्ट्रक्चर उसका स्ट्रक्चर इसलिए रैट पर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तो रैट पर ये डालते हैं और उस वैक्सीन की कभी छोटी डोज कभी बड़ी डोज डालकर फिर उसको उसको उस बीमारी से एक्सपोज करा के वायरस से बैक्टीरिया से एक्सपोज करा के उस पर ट्राई करते हैं कि क्या इफेक्ट हो रहा है और उसको रिसर्च करते रहते हैं इसमें भी एक दो साल जाते हैं ये ये प्रूफ प्रूफ ऑफ ऑफ कहलाता कहलाता है कहलाता है अगर उनमें अच्छे रिजल्ट आ रहे होते हैं तो अब हम हमें लगता है कि भैया अब क्लिनिकल ट्रायल किया जाए क्लिनिकल ट्रायल एक जो वर्ड होता है क्लिनिकल ट्रायल वो उसका मतलब होता है कि इंसानों पर किया जाए इंसानों पर किया जाए पर हमें यह पता है टेस्टिंग द वैक्सीन जब स्टार्ट हुआ अब हमें क्लिनिकल ट्रायल में एक बात पता है आपने कहा एक इंसान पे करके देख लो हो गया तो हो गया भैया हर इंसान डिफरेंट है, हम कभी भी वैक्सीन जो बनाते हैं उसके लिए हमें स्टेटिस्टिकल ग्राउंड पे वैक्सीन बनानी चाहिए किसी एक पर्टिकुलर आदमी के ऊपर कोई चीज काम कर जाए कई बार आपने कोरोना में देखा कि एक आदमी था वो पूरा एहतियात बरत रहा था मास्क चौबीस घंटे लगाए हुए फिर भी वो कोरोना हुआ और और कोरोना से डेथ भी हो गई एक बंदा था वो खुलेआम घूम रहा है मस्त घूम रहा है उसको कोरोना नहीं नहीं हुआ पर ऐसा नहीं कि हर घूमने वाले को कोरोना नहीं कई खुले आम घूमने वाले मर भी गए और कई मास्क लगाने वाले बच भी गए तो एक पर्टिकुलर आदमी पर वैक्सीन का प्रयोग करके हम ये कहें कि भैया ये काम कर रही है दिस इज नॉट एट ऑल क्लिनिकल ट्रायल तो हम इसको स्टेजेस में करते हैं स्टेजेस में करते हैं इसको तो यहां पर क्या करते हैं हम स्टेजेस में करने के लिए तो इसके लिए हम सबसे पहले एक छोटे ग्रुप ऑफ पीपल पे ट्राई मारते हैं छोटे ग्रुप ऑफ पीपल फेज वन तीन फेजेस में है जो 20 से 100 लोगों के बीच में लोग हैं उनके ऊपर देखते हैं डाल लगा के वैक्सीन का डोज और उस पर एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि उनमें क्या 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 इफ सिम्टम आए पॉजिटिव आए तो हम फेज टू में जाते हैं फेज वन फेल हो गया तो हम वापस से वापस पूरा प्रोसेस दोबारा करना पड़ता है जो किया है हमने दोबारा अपने रिसर्च डेवलपमेंट करो फिर से ट्रायल करो माइस पर चूहे पर फिर आओ क्लिनिकल ट्रायल के लिए क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी मिलने से पहले काफी समय लग जाता है रिसर्च पूरा प्रॉपर देखते हैं कि प्रोसेस क्या है समझ में आना चाहिए तो फेज वन पे करते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं फिर अगला फेज करते हैं हंड्रेड से तीन सौ लोगों के ऊपर इसमें और ज्यादा देखते हैं और तरह तरह के वेरिएशन के लोग डिफरेंट एज ग्रुप्स के लोगों के ऊपर ट्राई मारते हैं डिफरेंट एज ग्रुप के लोगों लोग के लिए ट्राई मारते हैं फिर हम करते हैं तीन हजार चार हजार पांच हजार लोगों पे इसको फेज थ्री कहते हैं और इसके बाद हम कहते हैं कि भैया अब ये इसके साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं और ये इसका ये बीमारी है आजकल ये इसके बाद ये काम चल जाएगा हमारा तो दिस इज हाउ वी डू अब यहां पर फेज फोर जब हो जाता है फेज फोर क्या है फेज थ्री तो ट्रायल हो गए सारे क्लिनिकल ट्रायल सारे खत्म क्लिनिकल ट्रायल करने के बाद हम जो भी वहां की एजेंसी यूएस की एजेंसी एफडीए है ऐसे अलग अलग कंट्रीज की अलग एजेंसीज हैं जो कि संभालती हैं कि भैया कौन हम क्या कर रहे हैं तो वो कहती है कि अब तुम्हें हम लाइसेंस दे रहे हैं या अप्रूव हो गया तुम्हारा क्लिनिकल ट्रायल की रिपोर्ट रिपोर्ट हमने देख ली अब हमारा प्रूव हो गया सही सारी चीजें अब मुझे अगले फेज में पहुंचाना है अगला फेज क्या चीज है अगला फेज है कि आप मुझे बताओ कि पूरा प्रोसेस क्या है तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग का हाउ विल यू मैन्युफैक्चर इट क्या चीजें एक्सपोज होंगी कैसे होंगी कहीं ऐसा तो नहीं बनाने में के बात तो बच रही है जनता पर बनाने के प्रोसेस में इन लोग निपट रहे रहे हैं कुछ ऐसी चीजें निकाल रहे हो तुम इस प्रोसेस में जो कि और ज्यादा नुकसानदायक हो तो पूरे प्रोसेस को मुझे समझाओ कैसे तुम प्रोडक्शन करोगे क्या करोगे क्या इस्तेमाल करोगे ये सारा का सारा प्रोसेस समझाओ और उस मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को समझाओगे तो हम जाकर फाइनली अप्रूव होगी कि भैया अब तुम्हारी दोनों एजेंसी बी एल अप्रूव करेगी कि अब तुम तैयार है तुम्हारी वैक्सीन का काम जाओ करो प्रोडक्शन और इस पूरे प्रोसेस में जनरली कोवैक्सीन और कोविड के समय की वैक्सीन को एक्सेप्शनल मानिएगा उनका क्लिनिकल ट्रायल थोड़ा जल्दी कर लिया गया था पैंडेमिक था ना कोई ऑप्शन नहीं था समय नहीं था नहीं तो जनरली इस पूरे प्रोसेस में हमें जो समय लगता है वो लगभग चौदह पंद्रह साल लग जाता है किसी भी चीज को क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए ठीक है ठीक है तो ये पूरी की पूरी कहानी है कई सारी बॉडीज हैं इनके बारे में ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है पर दिस इज द वे वी डू द क्लिनिकल ट्रायल्स एंड फाइनली वी वैक्सीन को उतार देते हैं मार्केट में अब ये वैक्सीन तो बेसिक आइडिया तो पुराने जमाने के लोगों को ही पता था कि भैया डेथ या ये कमजोर वायरस डालो उसके डालने से कुछ ऐसा होता है कि उसके बाद ताकतवर वायरस भी कुछ नहीं कर पाता उसी टाइप का उसी टाइप का तो लगता ऐसा था लोगों के थॉट आया कि कमजोर वायरस डालने से कैसे होगा तो ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे समझ लो कि आपको पंच की प्रैक्टिस करनी है पंच की तो पहले आपने सॉफ्ट जगह पे पंच मारना, मारना, मारना स्टार्ट किया 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 अब आपको पंच मारते रहे मारते रहे मार... तो आपको पंच मारने की आदत हो गई तो अब आप हार्ट सर्फिस भी पंच मारने के लिए तैयार है क्योंकि आपको पंच मारना आ गया तो शायद बॉडी में कमजोर खिलाड़ियों को भेजकर नेट प्रैक्टिस करा दी हमारे अंदर जो सिस्टम होगा इम्यून सिस्टम जिसे कहते हैं एंटीबॉडीज होती हैं, ये व्हाइट ब्लड सेल्स जो काम करती हैं, उनको सिखाया नेट प्रैक्टिस कराई कि इससे लड़बड़ के देख लो कि इसके खिलाफ लड़ सकते हो कि नहीं नहीं लड़ सकते हो, तैयार हो जाओ लड़ने के लिए कभी भी आ सकता है तो वो सिस्टम अंदर ये तो मैंने बहुत मोटे तौर पे बताया अब अंदरूनी तौर पे सेलुलर लेवल पर क्या एग्जैक्टली exactly होता है वायरस के प्रोसेस में वो 11 स्टेप का प्रोसेस है उस ग्यारह स्टेप के प्रोसेस को हम समझने की कोशिश करेंगे अपने अगले चरण में तो आप तैयार हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम उन प्रोसेस को देखेंगे जिनमें हमें बात करनी है कि ये ग्यारह स्टेप क्या होते हैं जिससे हमारी बॉडी इन वीक वायरसे लड़ लड़ के स्ट्रॉन्ग वायरस से लड़ना सीख जाती है लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट थिंग तो इस प्रोसेस में क्या होता है अब इसको समझने की कोशिश करते हैं इस प्रोसेस में ये वैक्सीनेशन जो अंदर जाके करता है इसके 11 स्टेप का प्रोसेस है जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो अब मैं समझाने वाला समझाने की कोशिश नहीं की मैंने बताया कि 11 स्टेप के प्रोसेस होते हैं अब हम इस 11 स्टेप के प्रोसेस को बहुत बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड बायोलॉजी के टर्म्स में नहीं फोटोज कॉम्प्लिकेटेड है पर समझने की कोशिश हम तो तरीके से करते हैं तो पहला स्टेप जो होता है, वो स्टेप बहुत है।, जो है या बैक्टीरिया है जिसके कारण नया वाली बीमारी जैसे स्मॉल पॉक्स हो रही है इस, इस बीमारी को इस बीमारी के का हमने या तो कभी कभी पूरी की पूरी बॉडी जो कि वीक हो चुकी है वो पूरी की पूरी बॉडी या फिर उसका प्रोटीन ही प्रोटीन ही है उसमें जो मेनली काम कर रहा है या फिर उसका कोई आर जो है वो लेकर हम उसको निकाल कर रख लेते जिसमें उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं तो प्रोटीन में या पूरी बॉडी या फिर आरएनए निकाल कर रखते हैं इस निकाली हुई चीज को जो निकाली हुई चीज हमने यहां पर है इसे एंटीजन कहते हैं ये एक्चुअली पैथोजेन का पूरा स्ट्रक्चर अपने अंदर रखी हुई है इसको पता यही बीमारी फैलाने वाला मेन रीजन है इसी कारण हमारे यहाँ बीमारी फैल रही होगी अंदर जो भी हो रहा है इसी के कारण हो रहा है लेकिन ये इसका कमजोर फॉर्म है या फिर इसका एकदम खत्म हुआ मतलब इसकी ताकत नहीं बची है पर उसका स्ट्रक्चर अभी भी बिल्कुल वैसा ही है लेकिन इसमें रेप्लीकेट करने की क्षमता कम हो चुकी है इसको हमने एंटीजन कहा जो कि पैथोजन से लिया गया है और इस प्रोटीन को या एमर आने को जो पैथोजन प्रोटीन है इसको अब हम डालते हैं किसमें अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। जब हम इसको अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो क्या होता है जब हम एंटीजन को अंदर जालते हैं तो एंटीजन की प्रोसेसिंग होती है जो टी सेल्स होती हैं हमारी बॉडी में दो तरीके से ये, दो तरीके से हो सकती है ये प्रोसेसिंग दो तरीके से अपटेक करते हैं, तो करते हैं तो हमारे, अंदर जो सेल्स हमारे अंदर जो सेल्स हैं उनमें एंटीजन किसमें प्रेजेंट है उनको एपीसी कहते हैं इन एपीसी में क्या होता है इन एपीसी में ये एंटीजन को ये एब्जॉर्व करती है ये एब्सॉर्व करने के इनके पास दो प्रोसेस होते हैं एक है ये तो या तो या तो वो जो उनके

जिनमें एंटीजन प्रेजेंट होता है यानी उन सेल्स को एंटीजन प्रेजेंट है अब वो सेल के अंदर काम होगा जिनमें प्रेजेंट नहीं हो तो कुछ भी नहीं कर रही है जिन सेल्स में चार पांच जो दस हजार पचास हजार डाले दस हजार पचास हजार जो डाले एंटीजेंस वो एंटीजेंस जो है वो उन जगहों पे उन कुछ सेल्स में जाके चिपक गए उसके अंदर चले गए अब वहां पर ये अपटेक कर लिया अब इसका वो प्रोसेस करेंगी व्हाट प्रोसेस दे डू व्हाट प्रोसेस डू ये क्या करते हैं इन एंटीजन में जो ये अपने आपने लेके गए हैं इनके जो मेन एलिमेंट्स हैं उनको ये एब्सॉर्व करते हैं उनको एब्सॉर्व करते हैं या तो ये एब्सॉर्व करते हैं सी डी एट प्लस टी सेल्स के द्वारा या प्लस टी सेल्स के द्वारा ये इनको एब्जॉर्व कर रहे होते हैं ये एबजॉर्व करने का जो प्रोसेस है इसको 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 ये, वाला जब हम कह रहे हैं इसको कहते हैं कहते एंडो ने किया, इसको ने, ने किया किया अपने तो एंडोसोम या लाइजोसोम इसको एब्जॉर्व कर लेता है और इस एब्सॉर्व करने के बाद इसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स ये जो एंटीजेंस के मॉलिक्यूल्स है ये प्रेजेंट हो जाते हैं और हमारा ये प्रोसेस अब इनका खेल कर इनको क्या करना है इनके ऊपर क्या रिएक्शन करना है कैसे इनका इनके खिलाफ लड़ने की क्षमता डेवलप करनी है इसकी अब हम कोशिश करने वाले हैं अब हमारे इन लाइजोजोम्स में या फिर एंडोजोम्स में ये हमारे पास पहुंच गए हैं अंदर लाइजोजोम और एंडोजोम में जब ये पहुंच गए हैं तो अब इनकी कहानी का खेल आगे बढ़ने वाला है अब ये ये जो जो आगे बढ़ते हैं इसमें क्या, क्या है, इस तो दो तरह के सी डी फोर प्लस में हमारे पास ये इकट्ठा हो चुके हैं तो ये हमारे पास जो ये बन के तैयार हुई इन्हें टी सेल्स कहते हैं टी सेल्स वो है जिनमें हमारा लाइजोम या एंडोजोम में ये जा चुका है ये, ये वायरस या पैथोजेन या, या का जो एंटीजन uh, है वो उसमें जा चुका है और उन्होंने उसको प्रोसेस करने का स्टार्ट करने है। अब ये प्रोसेस करना जब स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें एक क्या प्रोसेस है इसको समझने की कोशिश करते हैं ये क्या करते हैं ये ये साइटोकाइंस जो है वो रिलीज करती है जो टी सेल्स है वो साइटोकाइंस रिलीज करती है तो अब रिलीज़ करती है मतलब एक ऐसा सम, ऐसा समझ लीजिए कि ये सबको बताने लगती है अपने आसपास के सेल्स को मेरे अंदर कुछ आ गया है मैं मुझे बचाओ यानी कि अब कुछ तुम इसके खिलाफ करना स्टार्ट करो अब तुम्हारा काम स्टार्ट हो रहा है मैं इस वायरस से ग्रसित हूं मुझे समझाओ मुझे बचाओ मुझे हेल्प करो मैं क्या करूं क्या ना करूं प्लीज हेल्प करने की कोशिश करिए तो ये जो आपके हैं ये साइटोकाइंस स्टिमुलेट करके इम्यून सेल्स को ये ये कहती है कि अब तुम इसके खिलाफ इसके खिलाफ कुछ करना है इसके खिलाफ कुछ करना है अब इसके खिलाफ करना है ये बात इसको समझा देती है इसके खिलाफ कुछ करना है ठीक है यहां तक बात आ गई आगे बढ़ते हैं तो हमारे बॉडी में जैसे ही ये साइटोकाइन uh, लिक्विड जो साइटोकाइन रिलीज करते हैं इस रिलीज से हमारी जो हेल्पर सेल्स हैं हमारी जो कि कुछ मेहनती हैं जो कि कुछ काम कर सकती है, है कि यार कुछ चीजों को हमें सही करना है वो दो तरह की सेल्स हैं बी सेल्स और टी सेल्स बी सेल्स और टी सेल्स जो है इनको कहा होते इनका काम है कि अंदर आए हुए शत्रुओं को मारना है इनके लिए तुम्हें कुछ अरेंजमेंट करना होगा ये बनाना है तुम्हें ये काम करना है तो ये बी सेल्स और सी सेल्स बी सेल्स और टी सेल्स जो है वो क्या करती हैं? जैसे ही अंदर आता है तो ये बी सेल्स के पास एक रिसेप्टर होते हैं कई बार रिसेप्टर नहीं होते डायरेक्ट कई बार वो एपीसी के थ्रू एपीसी जो बना प्रोसेसिंग प्रोसेस, प्रोसेस एंटीजन प्रोसेस सेल्स बनी हुई है उनके उनसे ही डायरेक्ट कांटेक्ट में आकर या कई बार रिसेप्टर होते हैं इन रिसेप्टर से ये एंटीजन को खींच लेती हैं और एंटीजन को खींच लेती हैं और कई बार कोई और टी सेल्स भी होती हैं 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 जो इसको कहती है कि हैं कहती कि हेल्पर टी सेल्स कहते ये है बीजन को को बी सेल्स और कहती है कि और आ जाओ और आ जाओ मतलब नहीं जैसे कि आर्मी के लोग हैं लड़ाई करने के लिए तैयार है मारेंगे जो पकड़ पकड़ के लेकिन उनको बुलाने के लिए लोग हैं तो वो हेल्पर सेल्स, है, सेल्स जो है वो इनको बुलाती है बी सेल्स को बी सेल्स इनको पकड़ लेते हैं और जैसे ही इनको पकड़ लेते हैं इनको पकड़ने के बाद अब होता है मेन काम स्टार्ट वो बी सेल ने जब उसको रिसीव किया तो वो बी सेल्स ने आइसोलेट करके उनको ये माइलोम सेल्स के साथ इनके साथ फ्यूजन कराते हैं फ्यूजन करा के इनको दो ग्रुप में बांटते हैं और दो ग्रुप में बांटकर उनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज तैयार करते हैं ये एंटीबॉडीज इन्होंने तैयार करी जो कि एंटीबॉडीज उनको उनको समझ में आ गई कि इनसे लड़ने के लिए भैया भाला चाहिए कि क्या चाहिए तो एंटीबॉडीज तैयार हो जाती है अब ये एंटीबॉडीज तैयार हो जाती है ये लास्ट पार्ट आता है टी सेल एक्टिवेशन का ये जो टी सेल एक्टिवेशन है यहाँ पे ये ये जो है ये इसका काम क्या है ये एक ऐसी सेल बनती है ये टी सेल जो है है ये ये जो 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 कि इनको इनको इन 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 इनको कर देती है। इन, जो ये हमारे पास आए हुए हैं क्या कहते हैं एंटीजन इनको किल करने का काम करते हैं तो ये इन एंटीजन को रिसीव करता है ये इंफेक्टेड सेल है इससे ये एंटीजन को यहां पे पकड़ लेता है और पकड़ के लाकर इसको ये खत्म कर देता है खत्म कर देता है इस चीज को चीज को खत्म कर देता है और दिस इज प्रोसेस कि ये हमारे सेल को भी खत्म कर देता है और इन 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 टुकड़ों टुकड़ों को को भी मार देता है खत्म कर देता है तो अब ये तो कर दिया इसने खत्म अब इस पूरी चीज के साथ एक चीज डेवलप होती है मेमोरी सेल्स मेमोरी सेल्स क्या है मेमोरी सेल्स क्या है कि इन्होंने जो भी ये काम किया हुआ है आप ऐसे समझ लीजिए अब इनको याद है कि इस तरह की चीज आएगी उसको लड़ने के लिए ये ये, ये प्रोसेस करना है ऐसी उनको पता है जो ये बीसल टी जो कि एब्सॉर्व कर रही थी और मार रही थी टी किलर्स बी सेल्स ये सारे के सारे तैयार है इनको पता है कि ये शत्रु इस तरह के लोग हमारे सामने पहले आ चुके हैं इनके साथ कैसे लड़ना है मुझे तरीका पता है अब ये कुछ नहीं कर रहे हैं परसी है, सारे, सारे है, की, की तैसी कर दी है पर इनको मार दिया पर इन इन्फेक्टेड सेल को मारना तो इन्हें आ गया है जैसे इन्फेक्ट होती है इनको पता चलता है पता क्या चलता है साइटोकाइन से साइटोकाइन से इनको पता चलता है ये एक्टिवेट हुए इन्होंने इसको मारा मारकर इन्होंने

जब ये पैथोजेन वाला एक्सपोजर होता है ऐसे ऐसे वायरस हमारे सामने आए वो अंदर घुसे दो चार दस पंद्रह करेंगे अगर उनको मारा नहीं गया मारा नहीं भाई कैसे बढ़ता है ये वायरस से बैक्टीरिया ये अपने आपको रिप्रोड्यूस करता है एक सेल खराब हुई इसने दूसरे को बनाया दूसरे ने तीसरे को बनाया इस तरह से वो रिप्रोड्यूस करते रहते हैं अपने आपको बहुत तेजी से बहुत तेजी से और अपने आप कोशिश करते हैं बचने की वो भी अपनी दिमाग लगा रहे होते हैं कि हम और बचे वो हम और बचे जिसे हम कहते हैं कि नया वेरिएंट आया नया वेरिएंट का मतलब वो खुद से उनको लगता है कि यार ये आदमी हमें समझ जाता है इसकी बॉडी में रहकर तो मैं थोड़ा सा चेंज करके अगली बार जाऊंगा तो ये वेरिएंट जो आते हैं वो इस तरह से आते इस तरह से वेरियंट आते थे सेकेंड वेव जब आई थी, थी तो वो ज्यादा खतरनाक थी क्योंकि नया वेरियंट बहुत ताकतवर था उसको पता था कि कैसे मारना है कैसे लड़ना है तो उसको लड़ना आता था वैक्सीन थी नहीं पर उसको थोड़ी थोड़ी डेवलप हुई थी लोगों में पर उतना ताकतवर नहीं था तो धीरे धीरे वेरियंट वो भी डेवलप कर रहा है ये भी लड़ रहे हैं तो इन्होंने जैसे नया बॉडी आदमी जिसके जिसको पहले से लड़ना आता था जिसकी सेल्स को उसके अंदर अब नया पैथोजन घुसा तो इनकी मेमोरी सेल्स बी सेल्स और टी सेल्स पता थी कि अच्छा ये आए हैं इनको उछेड़ थका हमें आता है तो जैसे ही उन्होंने किसी को इन्फेक्ट किया उन्होंने इसको बी सेल्स और टी सेल्स ने उनको जाके मार दिया। और मार दिया दिया और और वो खत्म तो उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा वो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर पाया टाइम ही नहीं मिल पाया उनको इतना कि रिप्रोड्यूस कर पाए तो दिस इज द होल प्रोसेस विच हैपन्स पर अल्टीमेटली मोटा मोटा प्रोसेस का तरीका क्या है कि अगर तुम्हें ये पता है कि जो कंट्री तुम्हारे ऊपर हमला करने वाली है उसके मूव्स कैसे होंगे वो कैसा खेलती है कैसा करती जैसे फॉर एग्जांपल तुम क्रिकेटर हो मेमोरी सेल्स क्या है ये हमार, हमारा हाउ दिस बॉडी वर्क्स, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम ऐसे काम करता है इम्यूनिटी सिस्टम का काम इतना बढ़िया है इतना इंटरेस्टिंग है कई बार हम लोग जो लोग कई लोग ऐसे होते हैं आपने देखा होगा कि अ, अ, मुश्किल परिस्थितियों में रह रहे होते हैं गंदे घरों में रह रहे होते हैं खाना अच्छा नहीं मिल रहा होता है उनकी उनके बचपन से ही छोटी छोटी कमियां गंदगी अंदर जाती रहती है तो उनमें बीमारी फैलने के चांसेस होते हो सकते हैं चांसेस भी ज्यादा है पर अगर वो उसको सरवाइव कर जाते उन बीमारियों को सरवाइव करके वो आगे बढ़ गए वो बड़े उम्र के हो गए बड़ी उम्र के हो गए तो उनमें इन बीमारियों से लड़ने की ताकत ज्यादा डेवलप हो जाती है एक बच्चा है जिसको कमरे में रखा गया है ए सी कभी कुछ बाहर एक्सपोज नहीं किया गया है लाइफ में कभी भी कोई हर समय अच्छा पानी पीता है अच्छा खाना खाता है सब चेका के एल्कलाइन वाटर पी रहा है सब बढ़िया परफेक्ट चल रहा है उसके जीवन में तो ऐसे लोगों के पास जो अंदर सेल्स हैं उनमें इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाती इम्यूनिटी डेवलप होने का मतलब क्या हुआ ऐसी किलर

मिल रही है थोड़ी और ऊपर उठे तो पेड़ बड़े होने लगे तो दिस इज हाउ थिंग्स डेवलप हमें जैसे-जैसे जरूरत पड़ती गई हम विकास होता रहता है तो दिस शोज कि हमारा ये जो एंटीबॉडीज और एंटीजन से लड़ने की कहानी और ये मेमोरी सेल्स है ये हमें दिखाती हैं कि शायद हमारे दुनिया में हम जो बन पाए हैं आज की डेट में जैसे हैं और हम और डेवलप होते जाएंगे अगर

अगले स्टेप में जो बात करने वाले हैं बहुत छोटी सी है उस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे के पूरे के प्रोसेस में में जो को, को वाला कहानी कहानी थी उस कहानी में क्या हमने किया और कैसे हमने इतनी जल्दी वैक्सीन को बना लिया इस पे भी हम थोड़ी चर्चा करने वाले हैं तो लेट्स मूव ऑन दैट थिंग तो अब मैं बात करने वाला हूं मैंने आपसे जैसे कहा कोवैक्सीन के बारे में बिकॉज आजकल वो चर्चा में भी आई थी कि उसके साइड इफेक्ट्स हैं और उसमें काफी अच्छे से ट्रायल नहीं किया गया है तो आ, इस इस कोवैक्सीन को हैदराबाद की एक कंपनी ने बनाया था भारत भाइयों ने कंपनी ने बनाया था विद द हेल्प ऑफ इंडियन वायरोलॉजी के जो सेंटर है उसके साथ मिलकर ये वैक्सीन को तैयार किया था इस वैक्सीन में क्या हुआ कि आपको बताया था मैंने प्रोसीजर क्या होता है तो इमीडिएटली हमें जरूरत थी तो जरूरत थी तो हमारे जरूरत को सही रखते हुए इसको फेज वन फेज टू की ट्रायल की मंजूरी बहुत जल्दी मिल गई थी यानी कि पहले जो हमें पता है क्लिनिकल रिसर्च होती है पूरी की पूरी रिसर्च डेवलपमेंट फिर माइस पर किया जाता है फिर एनिमल्स पे किया जाता है फिर हम इम्यून सिस्टम का तो वो सारे प्रोसेस को थोड़ा शॉर्ट करके सीधे हमने इसको क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए भेज दिया क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए मतलब आदमियों पे लाने के लिए भेज दिया अब इसको क्यों भेजा गया क्लिनिकल ट्रायल के लिए उसका रीजन था दो तरह की वैक्सीन होती हैं। एक होती है एटीन्यूएटेड 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 वैक्सीन और एक होती है हमारे पास जो होती है हमारे पास ये जो आ, क्या कहते हैं इसको ये डेड है ये डेड सेल्स वाली दूसरी है डेड सेल्स वाली इनएक्टिवेटेड 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 कहते हैं, इनएक्टिवेटेड क्या मतलब होता है इसमें क्या होता है एटीन्यूएटेड में हम जो एक्सपोज करते हैं हमें पता है कि हमें उसी जैसे उसके आ, आपको पता है, एंटीजन को डालना पड़ता है तो एंटीजन जो हम डालने की कोशिश कर रहे हैं उसमें पूरी बॉडी डाल रहे हैं लेकिन पूरी बॉडी डालने में अटीनिवेटेड वाले केस में पूरी बॉडी जब हम डाल रहे हैं वो लाइव डाल रहे हैं मतलब जिंदा जिसमें काम करने की ताकत है उस 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 वायरस में अभी कुछ करने की ताकत है पर कमजोर है पर जिंदा है यानी कि वो रिप्रोड्यूस कर सकता है पर अभी कमजोर है उसको खाना वाना नहीं मिला है उसको कई दिन से ठंडी जगह पर रखा गया है तो काफी ठंडी जगह पर रखने के कारण वो उतना एक्टिव नहीं है तो वो थोड़ा सा कम काम कर रहा है तो इसे इनएक्टिवेटेड कहते हैं और इनएक्टिवेटेड का मतलब होता है जिसको मार दिया गया यानी कि अब वो रिप्रोड्यूस कर ही नहीं सकता डेड सेल्स है डेड वायरस है उसको डाला गया तो डेड वायरस जो है जैसे कि पोलियो पोलियो जो है वो इनएक्टिवेटेड मेडिसिन है तभी देखिए जब भी आपका पोलियो का कैंप कहीं पे भी लग रहा होता है तो हर पांच साल के छोटे बच्चे को पोलियो को खुराक दे दो क्योंकि उसपे उसपे खराब होने के चांसेस कम होते हैं आ, आ, लाइफ क्योंकि वो मरे हुए हैं डेड्स डेड वायरसेस हैं वो कुछ कर तो नहीं पाएंगे हाँ हमारे हमारे अंदर जो आ, किलर टीचर्स डेवलप होंगे या फिर उनको हम एब्सॉर्व करके एब्जॉर्व करके उनसे लड़ने की ताकत पैदा कर सकते हैं मरे हुए से भी लड़ा लुड़ा के कुछ सीख सकते हैं जैसे डॉक्टर्स क्या होते हैं डॉक्टर्स एनाटॉमी करने की कोशिश करते हैं तो डेड बॉडीज को देख के खोल के देखते हैं कि ऐसे ऐसे काम कर रहा है लाइव बॉडी पे किया नहीं होता है पर उनको अंदाजा तो लग जाता है ना कैसे लड़ना है पर हाँ कई बार एक्सपीरियंस करना पड़ता है कि लाइव है और डेड है दोनों में डिफरेंस तो ही है इससे लड़ना और उससे लड़ना एक जैसी बात तो नहीं है तो ये है तो अच्छा अच्छा इन द सेंस इसलिए क्योंकि ये इफेक्ट बहुत जल्दी तुरंत नहीं डालेगा क्योंकि मरे हुए सेल्स पहले से पड़े हुए हैं तो कोवैक्सीन की को मंजूरी देने का रीजन यही था कि ये इनएक्टिव इनएक्टिव एंटीजेंस को डाल रहे हैं इनएक्टिव एंटीजेंस को डालने से क्या होगा ये एंटीजन हमारी बॉडी पे ऐसा कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं दिखा पाएंगे लेकिन एक्टिव एंटीजन को डालने में प्रॉब्लम यह भी है कि आपकी बॉडी अगर इनसे लड़ना सीख गई तो इट इज नॉट हंड्रेड परसेंट लाइकली मरे हुए से लड़ना सीखने में चांसेस कम है कि मरे हुए किसी एक हिस्से को भी खत्म करके उसको लगेगा खत्म तो हो गया हाथ से हाथ काट दिया उसने कहा मरा हुआ तो कि ये हाथ पैर लग रहा है इससे लड़ सकते हाथ काट लिया और तुमने कहा मैं कुछ नहीं कर रहा हूं तुमने कहा हाथ काटने से काम जल्द तुम खुश हो पर अगली बार आए तो तुम्हें हाथ काटना तो आ गया तुमने जैसे पहुंचा मैं हाथ काट दिया मेरा और मैं पैर से भी मार सकता था तो मैंने जब जिंदा आदमी जब पहुंचा था पैर से मार मार के तुम्हारी हालत खराब कर दी तो पता नहीं लड़ना सीखे हो कि नहीं लड़ना सीखे हो तो हाथ खा लेने समझ के मैं क्या कह रहा हूं एग्जाम्पल समझ में आया ऐसे मैं मरा हुआ तुम्हारी बॉडी के अंदर पहुंचा तुमने कहा मुझे डर लगा तुम्हें मुझसे तुमने कहा ये मुझे मार सकता है तुमने कहा इसके हाथ दिख रहे हैं इसके हाथ काट देते हैं

तो आपने पैरों से लड़ना तो आपको पता ही नहीं था आपने कहा ये क्या है तो आप उनसे लड़ ही नहीं पाया उन्होंने रिप्रोड्यूस करके अपने आप को पैदा कर लिया जिंदा कर लिया खूब सारे बैठ गए आपको राज करने लगे आपके पैरों से लड़ लड़ के तो आपको ऐसे सिचुएशन में जब आप इनएक्टिवेटेड मेडिसिन डालते हैं तो आपको क्या करना होता है इनएक्टिवेटेड डालने के लिए आपको मल्टीपल इट्रेशन करने पड़ते हैं इसलिए फर्स्ट डोज सेकेंड डोज बूस्टर डोज ये डोज वो डोज जो चल रही थी उसका रीजन यही है मल्टी मल्टी टाइम्स आपको देना पड़ता है क्योंकि हो सकता तो मतलब जिंदा भी पहुंचेगा तो आपको सब काटना तो आता है तो आप सब काट कूट के इसको खत्म कर दोगे वाई इनएक्टिवेटेड वाली जो थी वो फायदेमंद थी तो इनएक्टिवेटेड थी तो इसकी मंजूरी मिल गई उसका क्लिनिकल ट्रायल हुआ फिर उसके बाद उसको हम लोगों को लगा दिया गया आज उसके ऊपर बातें आ रही हैं अब मैं उसमें नहीं घुसूंगा पॉलिटिक्स में कि क्या क्या रीजन है क्या नहीं है पर तो दिस इज हाउ कोवैक्सीन और इनएक्टिव में डिफरेंस यही है पोलियो की खुराक बार बार पांच साल में क्यों दी जाती है क्योंकि तो वो इनएक्टिवेटेड है इनएक्टिवेटेड है तो उसको लगता है कि पता नहीं किस कितना बच्चा लड़ पाया कि नहीं लड़ पाया तो पांच साल से कम बच्चों को लगातार चाहे उसने एक महीने पहले खाई हो दो महीने पहले खाई हो जब भी कैंप लगता कहते पिला दो पिला दो फिर पिला दो फिर पिला दो तो पोलियो की ड्रॉप पिलाते रहते हैं तो दिस इज हाउ कोवैक्सिन वाज मेड कोवैक्सिन एक सक्सेसफुल मॉडल था इंडिया में हमने किया और हमने उस पर और अच्छा जो भारत बायो था उसने पहले भी एच वन एन वन से लड़ने के लिए वैक्सीन बनाई हुई है उसने काफी वैक्सीन बनाई है वैक्सीन प्रोडक्शन में बड़ी कंपनी भी है तो इस तरह से कोवैक्सिन को बनाया गया था जो बेसिक आइडिया है आई होप आपको ये पूरी की पूरी कहानी अच्छे से समझ में आ गई होगी जो भी बात मैंने की है फिर भी मैं एक बार और कह रहा हूँ पुराने जमाने में इंडिया में पहले से ही स्मॉल पॉक्स से लड़ने के लिए वेरियलेशन हमारे पास अवेलेबल था उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने उसको किया जेनर ने अपने गार्डनर के बेटे पे किया किसी ने कुछ किया क्वीन ने प्रिजनर्स पे किया तो इस तरह से बहुत इंग्लैंड की क्वीन ने प्रिजनर्स पे किया टर्की को देखकर याद है ना आपको तो ये सारी कहानी को हमने समझ लिया आई होप आपको ये वीडियो कुछ कुछ समझ में आया होगा और आप तैयार रहिएगा इन वीडियोस को देखकर इस ये जो कनेक्ट जो साई मैथ कनेक्ट है हम इसको दोबारा लेकर भी आएंगे हम इसको दोबारा लेकर भी आएंगे दोबारा हम जब इसको लेके आएंगे तो ये लेके आएंगे हम सेप्टेम्बर में सितंबर सेप्टेंबर को हमारे पास जब हम बात करने वाले हैं इसमें हम बहुत बढ़िया बात करने वाले हैं प्रोबेबिलिटी की मैथ्स मैथ्स में maths में प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो हम ये समझेंगे ये हमेशा जीतते क्यों हैं भाई कसीनो वाले अगर किस्मत पे ही खेल रहे हैं तो कसीनो खोलने वाले के भी तो रिस्क है पर वो कभी रिस्क नहीं होता लॉटरी जो बनाती है सरकार सरकार को हमेशा फायदा होता लोग है लोग नुकसान खाते हैं ऐसा क्यों होता है इस चीज की चर्चा करेंगे और वाटर, वाटर का एक अलग एक, एक ऐसा आपको पता है वाटर के बारे में बात करेंगे वाटर का बिहेवियर की अगर बात करें तो बड़ा मजा आएगा वाटर में लगभग नॉर्मल लिक्विड्स के अलावा अगर देखा जाए तो कम से कम सौ ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं सौ ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि बाकी सारे लिक्विड से बिल्कुल अलग है जिनके कारण वाटर इतना बड़ा सोर्स बना लाइफ का लाइफ के लिए वाटर क्यों इंपॉर्टेंट था और क्या है उसमें हम एक बहुत एक छोटे से बच्चे की कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम था मेम्बा के बारे में बात करेंगे जिसने एक बहुत बड़ी डिस्कवरी की थी छोटा सा कम उम्र का आदमी बच्चा था स्कूल स्टूडेंट था और उसने एक इफेक्ट ने बता किया इफेक्ट शायद आपने सुना हो मेम्बा इफेक्ट उसके बारे में बात करेंगे और क्वार्टर के और भी एनामल बिहेवियर पर बात करेंगे आई होप इट इज क्लियर थैंक यू वेरी मच पा रहेगा सभी को इंजॉय लाइफ वी फाइंड एंजॉयल अदरवाइज मेक इट बाय 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 बाय